We also have with us from the Congress, Akhilesh Pratap Singh. Akhilesh Pratap Singh, how do you see this contest now in Varanasi between BJP's Prime Ministerial nominee Narendra Modi and now Aam Aadmi Party also pretty much indicating that Arvind Kejriwal is going to be challenging him? जो भाजपा के नेता बताते थे कि मोदी की सुनामी है, आंधी है, वही भाजपा के नेता उसी नेता को टिकट देने में एक महीने लगा दिए और कितना विरोध हुआ वो देखें। जो व्यक्ति ये कहता हम देश ठीक कर देंगे एक मिनट में छड़ी के तरह से, वो व्यक्ति अपने पार्टी को यूनाइट करके टिकट नहीं ले पा रहा है। खैर ये तो अतीत की बात रही, कोई भाजपा का नेता ऐसा बताएं आप जो बड़ा नेता हो अपनी लोकसभा से दोबारा क्यों नहीं लड़ता है, ज्यादातर एक आध को छोड़ के, क्योंकि ये एक्सपोज हो जाते हैं। ये काम के आधार पे, डेवलपमेंट के आधार पे, अपने नीतियों पॉलिसीज के आधार पे वोट नहीं मांगते हैं, ये अपना एक और दूसरे तरह का एटमोसफियर क्रिएट करके ये चाहते हैं चुनाव। लेकिन अखिलेश जी, एक मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ, सारे लोग वाराणसी में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच लड़ाई की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कहाँ पीछे छूट गई फिर वाराणसी में? न्यूज में है ये दोनों लोग, ये लोग दोनों लोग एक ही स्टाइल के पॉलिटिशियंस हैं जिन्हें लोकतंत्र या लोकतांत्रिक व्यवस्था पे आस्था नहीं है। यदि इनके अगेंस्ट मीडिया तक भी कोई बात कहे तो कुचल देने की बात करते रहे। दोनों लोगों की एक ही विचारधारा, एक ही तौर तरीका और एक ही सोच है। हम निश्चित रूप से मीडिया में वो लोग हैं, लेकिन जब चुनाव होंगे, परिणाम आएंगे, तो आपको परिणाम कुछ और ही दिखने को मिलेंगे।